इन क्रोमेटोग्राफी ना वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी तकरीबन पाँच मुख्तफ किस्म की क्रोमेटोग्राफिक टेक्नीस जिनका हम यहाँ तस्करा करेंगे और ये क्रोमेटोग्राफिक तकनीक सिर्फ एच पी एल सी के लिए नहीं हैं, बल्कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और जी सी गैस क्रोमेटोग्राफी में भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है एडजॉपशन क्रोमटोग्राफी पार्टीशन आयन एक्सचेंज साइज एक्सक्लून या जल परमिएशन और अफिनेटी क्रोमटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमटोग्राफी आ गया वन बाई वन इनको डिस्कस करें तो एडज़ॉपन क्रोमेटोग्राफी सबसे पहली टाइप है जैसे आपको इस फोटोग्राफ के जरिए भी समझाया गया है कि ये सर्फस हैं सॉलिड सर्फिस जिन पर हमारे सल्यूट के मॉलिक्यूल एबजॉर्ब होंगे एडजॉर्पन की एक लिबरम पर आने की कंडीशन मुख्तलफ़ होंगी कौन से वाले ज़्यादा एबजॉर्ब होंगे डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कि केमिस्ट्री क्या है इन सर्फिस की जैसे हमने इससे पहले C18 या C8 का तस्करा किया था तो अगर इस तरह के नॉन पोलर सर्फिसज हैं तो डेफिनेटली नॉन पोलर सब्सटेंस अटैच होंगे और पोलर नस्बता रोल आउट करते जाएंगे अगर पोलर सर्फिसज हैं तो पोलर सब्सटेंस इस पर अटैच हो जाएंगे और नॉन पोलर इससे रोल आउट हो जाएंगे एडजॉर्पन क्रोमटोग्राफी इज़ प्रॉबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्रोम्राफी इट यूटिलाइज ए मोबाइल लिक्विड और गैसियस फेज़ दैट इज एबजॉर्ब दर्फेसटेशनरी फेज द एक्लिब्रेशन बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज अकाउंट फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सल्यूट यानी ये एच पी एल सी में भी इस्तेमाल होगी जैसे लिक्विड मोबाइल फेज और जी सी में भी इस्तेमाल हो सकता है जैसे गैसियस मोबाइल फेज दूसरी टाइप की क्रोमोटोग्राफी पार्टीशन क्रोमोटोग्राफी है पार्टीशन की एक ओपन ट्यूबुलर कॉलम इसको दिखाया गया है इस तरह के कॉलम आमतौर पर हम जीसी गैस क्नोटोग्राफ में इस्तेमाल करते हैं बहुत बारीक लाइनिंग है ट्यूब की और इसके सरफेस के ऊपर एक लेयर लिक्विड की भी डिपॉजिट हुई हुई है जब हमारे सल्यूट के मॉलिक्यूल इसमें से पास करते हैं तो एकब्रियम इस्टेब्लिश होता है कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं कुछ इसमें से पास आउट कर जाते हैं तो जो अटैचमेंट और इस पासिसन की बेसिस पे हमें कुछ मॉलिक्यूल टाइम एंड ऑफ द कॉलम एल्यूट आउट हो जाते हैं दस दिस फॉर्म ऑफ क्रोमडोग्राफी इज बेस्ड ऑन थिन फिल्म फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ ए सॉलिड स्पोर्ट बाय लिक्विड स्टेशनरी फेज सल्यूट एकट बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी लिक्विड फेज यही फिनमिना अगर हम कॉलम क्रोमोटोग्राफी में इस्तेमाल करें जहाँ पर सॉलिड सपोर्ट में मुख्तु पार्टिकल्स मौजूद होंगे और जब कोई लिक्विड हम इसमें से पास करेंगे इनिशियली जिससे हमने कॉलम को पैक किया होगा तो उस लिक्विड की एक हल्की सी लेयर इन सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी जब हमारा सल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसमें से पास करेंगे तो सल्यूट के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम एक्ट करेंगे और कुछ इस लिक्विड से अटैच हो जाएंगे कुछ निकलते जाएंगे ये लिक्विड लिक्विड क्रोमोटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमोडोग्राफी की एक टाइप हो सकती है यानी एच पी एल सी में भी और जैसे ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम है तो जी सी में भी इस पार्टीशन क्रोमोटोग्राफी को इस्तेमाल किया जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमोडोग्राफी इज अनदर टाइप हमने इससे पहले स... सिलिका के साथ बाइंड ऑक्सीजन और इसको डिस्कस किया था कि C18 एक लॉन्ग चेन कार्बन की अटैच है इसी के आखिर में अगर SO3H थ्री एच की फॉर्म में यकिन नेगेटिव फॉर्म में SO3H थ्री एच अगर नेगेटिव आइन मौजूद है और कोई पॉजिटिव चार्ज आइन्स पास करेंगे तो वो इसके साथ अट्रैक्ट होंगे इसके साथ ज़्यादा अफिनिटी शो करेंगे अगर इसी तरह के सी एटीन कॉलम पर एंड पर टर्मिनल पर एन एच थ्री पॉजिटिव यानी अमोनियम अटैच कर दिया जाए तो नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव आइंस इसमें से पास आउट करते जाएंगे इस तरह की क्रोमोटोग्राफी को हम आयन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी कहते हैं जिसमें हमारी सिलिका जेल या एंड टर्मिनल जिनसे कैप किए हुए हैं वो खुद पोलर हैं आयनिक हैं उन पर चार्जेज हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लेंगे बाकियों को निकलने देंगे इन दिस टाइप ऑफ़ क्रोमोटोग्राफी द यूज़ ऑफ रेजेंस द स्टेशनरी सॉलिड फेज इज़ यूज टू कोवनली अटैच एन आयंस और कैट आयंस ऑन इट सल्यूट आइंस ऑफ द अपोजिट चार्ज इन द मोबाइल फेज आर अट्रैक्टेड टू द रीजन बाई अलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज इसे आयन एक्सचेंज क्रोमटोग्राफी कहते हैं मॉलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमटोग्राफी इसे जेल या जेल फिल्ट्रेशन भी कहते हैं ये जैसे आप देख रहे हैं कि इस कॉलम के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो एडजॉर्ब सर्फेस हैं सिलिका के इनके साइज की वजह से दरमियान में स्पेसिस बन जाती हैं और इन स्पेसिस से निकलते हुए जो साइड्स एंड बनते हैं छोटे छोटे होल्स बनेंगे वहां पे स्मॉल मोलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे लेकिन बिगर मोलिकूल इसमें से पास होते जाएंगे तो हम इस परमियेशन में देख रहे हैं कि इस तस्वीर में बिगर बड़ा करके दिखाया गया है कि स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैप हो गए हैं जबकि बिगर मॉलिक्यूल इसमें से पास आउट हो रहे हैं इसे जेल परमियेशन कहते हैं वैल पासिंग थ्रू ए पोरस जेल मॉलिक्यूल्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस द पोर्स आर नॉर्मली स्मॉल And allows smaller molecules to enter the gel, the large molecule pass through the column at a fast rate. Affinity chromatography, pe chromatography ke type, bigger molecules ko separate karne ke liye proteins ke molecule ko separate hoti hai. This is the most selective type of chromatography. It utilizes the specific interaction between one kind of solute molecules and a second molecule that is immobilized on a stationary phase. एम्बोबलाइज्ड यानी जो स्ट्रे कर रहा है स्ट्रेशनरी फेस के साथ रुका हुआ है वो इन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ट्रैक करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल द एम्बोबलाइज मॉलिक्यूल मे बी एन एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक प्रोटीन्स इस एंटीबॉडी के साथ अट्रैक्ट होकर रुक जाएंगी बाकी अनवॉन्टेड प्रोटीन्स उसमें से निकल जाएंगी वैन सल्यूट कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स आर पासड बाय दिस मालिक्यूल ओनली द स्पेसिफिक प्रोटीन इज रिएक्टेड टू दिस एंटीबॉडी बाइंडिंग इट टू स्टेशन इज़ लेटर एक्सट्रैक्टेड बाई चेंजिंग द आनिक स्ट्रेंथ और पी एच जैसे फोटोग्राफ में दिखाया हमने कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन मॉलिकूल जिन्हें मुख्तलि साइज और शेप के कीूब्स और ट्राइंगल की सूरत में दिखाया गया है जब इन्हें हम पास करते हैं अपने इस एंटीबॉडी से फिल हुए कॉलम पर तो ये तमाम की तमाम बाहर निकल आती हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन की इस कॉलम के साथ बाइंड हो जाएगी और जब हम सॉल्यूशन की पी चेंज करेंगे या कोई ख़ास लिगेंड इसमें से पास आउट करेंगे तो वो लिगेंड इस स्पेसिफिक प्रोटीन को अपने साथ अट्रैक्ट करके ले आएगा इस तरह की टाइप को हम अफिनिटी क्रोमडोग्राफी जिसमें पहले हमने अनवांटेड पार्टिकल्स को या प्रोटीन्स को इसमें से फिल्टर आउट किया और फिर जो रिक्वायर्ड था उसको हमने इसके बाद यूज़ किया चॉइस ऑफ कॉलम डेफिनेटली हम किस किस्म की क्रोमटोग्राफी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर एच पी एल सी तो आमतौर पर सी एटीन या सी एट कॉलम्स इस्तेमाल होते हैं इस तरह एंड कैप्ड विद सल्फेट या एस ओ थ्री एच या अमोनियम एंड कैप्ड साइनाइड एन कैप्ड विद अमोनिया या नाइट्रो ग्रुप ये मुख्तलिफ़ कॉलम्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन कॉलम्स को हम इस तरह अगर जी सी करें तो उसके अंदर हम ओपन ट्यूबुलर कॉलम इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप में या हम प्रोटीन्स की सेपरेशन करना चाहें तो स्पेसिफिक टाइप के कॉलम की ज़रूरत होगी इन कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए जिस किस्म के एनालाइट को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं और जिस किस्म की क्रोमडोग्राफी का आप सहारा ले रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को मैच करते हुए हमें अपनी क्रोमडोग्राफिक टेक्निक और कॉलम को चूज़ करने की ज़रूरत होती है